आप शॉपिंग मॉल में कपड़े चेंज कर रहे हो और सडनली बाहर से कोई ऐसे करे तो? हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सो मैंने पता है अभी क्या सोचा है। पापा है ना, अभी मेडिसिन खाई है पापा ने, पापा भी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका है ना कभी नहीं मिलने वाला है। मैं ना पापा को बिना बताए अभी बाहर जाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई घूमने के लिए, तो मैं, मेरी मासी, मेरी फ्रेंड, हम लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। ऑफ कोर्स मैं पापा को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर पापा को बता दूंगी तो पापा मेरे को जान ही नहीं देंगे, तो इससे अच्छा मौका अभी वापस तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। तो अभी मैंने मामा को बोल दिया है मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो मामा मुझे ड्रॉप करेगा और मैं आई थी अपने रूम में वीडियो स्टार्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स यार, मेरा रूम अभी काम चल रहा है, लेकिन ठीक है, देखो कैसे लग रहा है। मुझे ना ये वाला बैकग्राउंड बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ये। सो लेट्स गो, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। मैं रेडी तो हो गई हूँ, बस अभी हमें निकलना है थोड़ी देर में। मैंने मम्मी को बता दिया है, मम्मी को बोला है कि आप पापा को मत बताओ, तो पापा को नहीं बताएंगे, निकलेंगे। देखो पापा सो रहे। मम्मा मम्मा, मुझे भी ये बहुत सही है। मुझे ना थोड़ी कैश भी चाहिए थी, इसलिए मैंने मम्मी को इशारा किया। मम्मी को इशारा समझ ही नहीं आता, लेट समझ आता है बस। तो मम्मी के पर्स में से मैं कैश लूँगी और तुरंत निकलूँगी। मैंने सोचा था मामा मुझे ड्रॉप करेगा, बट मामा घर में है ही नहीं, तो मैंने ना मासी को इधर बुला लिया। मुझे है ना अभी इसी बात का डर लग रहा है कि कृष्णा है ना पापा को बता ना दे, क्योंकि वो पापा का एक नंबर का चमचा है, वो सारी बातें पापा को बताता है। और उसी के सामने मैंने मम्मी से पैसे मांग लिए, और वैसे भी उसने मेरी बातें सुन ली थी पहले भी। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जाने दो, अभी तो सो रहे हैं ना, पापा भी नहीं बताएगा वो। चलो घर से तो निकल गई मैं, लेकिन है ना पापा को नींद नहीं आ रही थी शायद, इसलिए वो पीसी पे आके बैठ गए, माइनक्राफ्ट खेल रहे। अभी अगर मैं घर में दिखी नहीं तो सबसे पूछेंगे, और कृष्णा तो उगल ही देगा कि मैं बाहर गई हूँ। कोई बात नहीं, तब का तब देख लेंगे। मासी इधर, बाय बाय घर। कितना टाइम लगा आपने आने में? अरे मैं उधर देख रही थी। पापा जाग गए आपके इसमें? जाग गए। चलो जल्दी चलो भागो। पापा को पता नहीं है? नहीं नहीं पता। अभी हम लोग आ गए हैं मॉल। हाय दीक्षा, बेचारी वेट कर रही थी हमारे आगे। चलो चलो जल्दी। सॉरी भूल गए आपको। सो हमने बताया क्या प्लान किया, हम सबसे पहले मूवी देखेंगे। कौन सी मूवी? मासी ने टिकट्स बुक की है, सब किया है। अरे पहले हम लोग मूवी देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग है ना मॉल में भी घूमेंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है पापा घर पे क्या कर रहे होंगे, और कृष्णा ने पापा को बता दिया होगा कि नहीं। ठीक है।
ठीक है छोड़ो, बाद में देखेंगे वो, उसकी टेंशन हम बाद में लेंगे। शर्म करो, मूवी चालू हो गई। मैंने कभी मूवी की स्टार्टिंग में मिस नहीं की है, एड भी मिस नहीं की है। रहन दो, एड भी मिस नहीं की मैंने। घुसो जल्दी, खोक खोक वाले एड। नेशनल एंथम चल रहा है। डिबू नहीं दिख रही, कहाँ है डिबू? बाहर गई। कहाँ पे? बाहर गई। मामा तो इधर ही है, घूमने में। बोला ना अकेले भेजने का नहीं, ऐसे किसके जाने दिया तूने? तू गई थोड़ी देर, अकेला फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए ना। पर ऐसे मैं बोले आ रहा ना, उसको अकेले बिल्कुल जाना है नहीं, या तो मैं जाऊंगा या मामा जाएंगे या कोई तो भी बाउंसर साथ में जाएगा। तो मालूम नहीं है क्या, वो नॉर्मल लड़की नहीं है ना, वो इतना तो समझता ना। स्कार्फ बिर्थ में भी पहचान ही लेते सब उसको। रुक आन दे, अभी तू भी खड़े रहना लाइन में, अभी आन दे उसको, आन दे और तू भी देख। अभी तो मजाक लगता है क्या तुमको? डेरी मिल्क के चलो चलो गाइस, वन टू। ये माता डालो पहले। क्या खाएंगे बताओ आज, क्या खाएंगे? पैसे तुम दोनों देंगे बस। चल दीक्षा। नहीं अरे तो कुछ नहीं हो गया। चलो यार, चलो चलो आओ, पॉपकॉर्न खाएंगे ना। हाँ पॉपकॉर्न खाएंगे, चलो पॉपकॉर्न खाएंगे। चलो तो हमने ऑर्डर दे दिया है, वो है ना सीट पे ला के दे देंगे। और मासी देखो, मासी अलग इसमें चली गई, मासी अपने लिए भेल ले रही। तुम्हारा समोसा का आ रहे, वो सीट पे ला के देंगे हमको। मूवी देखने के बाद में ना हम लोग मॉल भी घूमेंगे गाइस, ठीक है ना? यस, इसीलिए आए ये लोग, और देखेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। मूवी स्टार्ट हो गई। ओए भागो, ये देखो ये रहा हमारा समोसा। समोसा पापा का फेवरेट है, काश पापा भी आए होते, बट पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना। गाइस मूवी खत्म हो गई है, क्लाइमैक्स अच्छा था, मुझे ठीक ठाक लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे शॉपिंग करने के लिए, मतलब शॉपिंग एज इन देखते हैं क्या क्या पसंद आता है। अभी इतने दिनों के बाद में मॉल आए तो लालच आ गया मन में। 6 बज गए अभी तक आए नहीं, दोपहर को 2 बजे गए वाली है वो, अभी आने दो, देखता मैं फिर अभी। और हाँ गाइस, मुझे ना आईफोन 16 प्रो मैक्स भी देखना है, तो वो भी देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कपड़े, फिर उसके बाद में ना हम लोग आईफोन देखने के लिए दूसरे स्टोर जाएंगे, और फिर हम लोग आईफोन भी देखेंगे। गर्ल्स आए तो शॉपिंग तो करेंगे, है ना गर्ल्स? चलो चलो, ये वाला एक अच्छा लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना। एक बार ये पकड़, ये ना मैं ट्राई करके आती हूँ, फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये एक बार ट्राई करके देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कितने सारे कलरफुल ड्रेसेस है, ये भी एक अच्छा लग रहा है ना, फ्रॉक टाइप। ये भी एक बार ट्राई करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये पकड़ दो। देखो जितने भी मैंने ड्रेस लिए ना, 2-3 वो मैं ट्राई करके आती हूँ। अभी आई मैं यहीं पे रुक दूँ। देखो ये ड्रेस का लुक कुछ ऐसे लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताओ कैसे लग रहा है। तो लुक ही ना यार, यहाँ से थोड़ा लूज लग रहा है मुझे, एक बार बाहर चल के अच्छा लग रहा है या लूज लग रहा है, एक बार देखो, है ना? यहाँ पेट पे से लूज है। मुंडी मत निकालो उधर से, बताओ कैसे लग रहा है वाला वन पीस? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ से ये भी लूज है बट ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है चलेगा, ले लेते हैं, जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अपने को आईफोन 16 प्रो मैक्स देखने जाना है, बुक करने जाना है। और देखने नहीं, और 2-3 देखने दो। देखो अभी हम लोग मम्मी को वीडियो कॉल कर रहे हैं वन पीस दिखाने के लिए कैसे लग रहा है, क्योंकि मम्मी का ओपिनियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ये वन पीस लेकर जाऊँगी और मम्मी को पसंद नहीं आएगा तो मम्मी मुझे ही चिल्लाएगी। उठाया मम्मी ने? नहीं, अनु भाई क्या है मम्मी का नाम? वो मेरे को तेजा भाई बोलते ना, तो उसको अनु भाई बोलते। उठाया मम्मी ने फोन? हाँ
हाँ उठा है, दिखा। ये पप्पा है ना, रखो ना आपके पास। दिख दिख मेरे को पहले एक लेते ना ड्रेस इसको। क्या बोल रहे हो पापा? घर पे आओ, देखता मैं। घर पे आने के बाद मैं देखता अभी। पापा प्लीज ना, नो। आओ घर पे आओ अभी, देखता फिर मैं अभी। घर पे आओ। नहीं ना यार, मासी मैंने आपको बोला था मम्मी को फोन करने के लिए, लगा दिया उन्होंने। आप भी चलो अब मेरे साथ। पापा पापा आते हैं, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं, 5 मिनट में रखो। ये रखी ना खरा, क्यों मासी नहीं? मम्मी आपने बता दिया ना पापा को? यार अब मैं घर पे कैसे आऊँ फिर? वो सब ठीक है, ये देखो ये वन पीस कैसे अच्छा लग रहा है, ले लूँ? ठीक है चलेगा, जल्दी आ भी घर पे। अभी मैं जा रही हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स बुक करने। पाँच साल हो गई ना, पापा पहले से चिल्ला रहे हैं प्रो मैक्स। अरे यार आज बुक करेंगे तो वो 4-5 दिन बाद आएगा, मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं बुक करके आ रही हूँ। पहले पापा बहुत गुस्सा है घर से आने के। आती हूँ 1 घंटे में आऊंगी, रखो रखो। देख मासी इधर, मासी आप चलने वाले? ये मासी का किया कराया धराया, माँ को कॉल करने बोला था, पापा को फोन कर दिया इन्होंने। जरा एक बार पूछ तो लेते, मैंने बताया नहीं था पापा को। नहीं मैंने ऐसे ही कर दिया था। रेन दो, चलो चलो, मम्मी के लिए टॉप लेना था। ये देखो ये दोनों पागल क्या कर रहे हैं, नीचे से चप्पल डाल। एक काम करो ना, आज तुम दोनों अंदर ही आओ। एक वन पीस ले लिया है, अभी हम लोग जाएंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स बुक कराने के लिए। और ये है ना, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले बुक कराने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले मैं पापा के साथ जा चुकी हूँ, मम्मी के साथ जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले जा रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, अभी बड़ी हो गई हूँ मैं। और घर पे जाने के बाद मैंने पापा मुझे बहुत डांटने वाले, क्योंकि मैंने पापा को बताया नहीं, और अभी जब वीडियो कॉल किया था तब पापा बहुत गुस्से में थे। और अभी जब पापा को ये पता चलेगा कि मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स बुक कराने वाली हूँ तब और डांट पड़ेगी। खोल दरवाजा। पापा। दीदी कहाँ है? कितने बज रहे हैं? अभी भी नहीं आई वो? आ रही अभी 1 घंटे में। हाँ? 1 घंटा लगेगा, फोन किया था। अच्छा रुक तो, अभी रुक जा, तू भी रुक, आन दे उसको, तू भी रुक, अभी रुक। चल बाय दीक्षा। अरे बाय, मिलते हैं जल्दी। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं इंस्पायर, चलो अंदर चलते हैं एंड आईफोन 16 देखते हैं। यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने 15 नहीं लिया था इसीलिए मैं अभी 16 ले रही हूँ, और जिससे अभी मैं शूट कर रही हूँ ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है। सो हमें ना 16 प्रो बुक कराना था, लेकिन है ना यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे नहीं बुक करा सकते, ऑनलाइन बुक करा दो। तो ठीक है चलो घर पर चलते हैं फिर। यार अभी घर जाके मेरे को तो ऐसे लगता है मेरे को मार पड़ने वाली है पापा की। पापा बहुत गुस्से में थे, मैंने उनको बिना बताए इतनी दूर बाहर आई हूँ, और अभी रात के कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। क्या आप थोड़े मैं थोड़ी, मम्मी आपको पहले मारेगी क्या? आपने अभी बताया नहीं। वैसे मैंने मम्मी को बताया था, लेकिन फिर भी यार पापा का डर। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताना, आपने कभी ऐसे पापा को बिना बताए बाहर गए हो क्या? वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन गए हो के जल्दी से कमेंट में बताओ। और बाद में जब आप घर गए हो तो पापा का क्या रिएक्शन होता है वो भी बताना। अब घर चल के मेरे पापा का रिएक्शन देखेंगे। सो गाइस अभी हम लोग आए कैट फूड लेने के लिए, मैंने सोचा कैट फूड भी ले ही लेती हूँ, खत्म हो गया है ना। सिल्वेस्टर और मिया को हमने ना इनसे ही लिया था। हाय सर। हाय, कैसे हो? मजे में, बढ़िया। यस मासी, वो जो बेल्ट नहीं होता है डिजाइन वाला, वो है क्या? कितने बज रहे? 8 बज रहे। 9 बजे नहीं आए ना? आधी ना अभी फोन किया था मैंने। आंदे ना, रुक जा रुक जा अभी। वाओ ये बेल्ट भी अच्छे हैं, ये बचते भी है ना, इन पे नंबर भी है। तो गाइस हमने ना कैट फूड ले लिया है, अभी हम लोग चलते हैं घर। पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना आज मार पड़ने वाली है, ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है दिल से कि मैं आज मार खाऊंगी। ठीक है खाएंगे तो खाएंगे, अभी तो चलो अभी एंजॉय करते हैं, चलो लेट्स गो। ऐसे लग
रहा है घूम के। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, आप डाकू बन के घूम रहे। देखो देखो आ गए हम लोग घर पर। मासी आप भी चलो ना, मासी कल्टी मार रही है। जैसे तेरे को फटके उठेंगे, अभी मेरे को मेरे घर पे फटके बैठे। मेरे को वीडियो कॉल करना तू। ठीक है, मार खाने के बाद करना एक दूसरे को। देखते ठीक है, जाओ आराम से। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मासी, बाय। आ तो गई हूँ यार घर पे, अभी बहुत डर लग रहा है। इतने देर से बाहर घूम रही थी तब कुछ नहीं लगा, अब बहुत डर लग रहा है। ओह भाई साहब, क्या होने वाला है पता नहीं। एक काम करते, सीधे रूम में जाके बैठ जाऊंगी मैं। पापा का डर अलग ही होता है यार, आप लोग समझ सकते हो मेरी बात को। ऊपर से मैं बता के भी नहीं गई किसी को। हे भगवान, मुझे बचा लेना प्लीज। पापा का है, मुझे भी तुम देख के रहे। चुप बैठ कुत्ते। तूने बताया ना पापा को मैं बाहर गई? नहीं। तू नहीं बताया, मेरे को पता है। यार है तो मेरी जान निकल रही, रुक जाओ ना जरा। ट्रैफिक सांगित तुम लोग मजा रही चिड़ले पापा दा। ट्रैफिक वैफिक कुछ नहीं रहती। उड़ कितने बज रहे हैं? हां बंद करो ना। अरे बोल के जाने को नहीं होता क्या? हां बताया था ना मम्मी को, आप सो रहे। मेरे को क्यों नहीं बता के गई? अरे बाबा वो क्या नॉर्मल लड़की है क्या कि मतलब वो जैसे जा सकते बाहर मूवी देखने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए? नहीं हो सकता, इससे नहीं पॉसिबल है। तू समझ में क्यों नहीं आता तुमको? हाँ वो नहीं जा सकते वैसे, उसको मेरे को साथ में लेके जाना ही पड़ेगा या फिर है ना साथ में बाउंसर लेके जाना पड़ेगा। वैसे जाना नहीं है, मैं पहले मना करके रखे वाला है ना। हाँ सुनते क्यों नहीं तुम? तेरे सिक्योरिटी के लिए बोल रहे पापा, पहले से अपने घर पे कितने प्रॉब्लम्स है तू जान दे। एक दिन कितने आ गए ना घर पे। अरे बाबा बुरा होने के लिए एक दिन नहीं लगता। अरे पापा ठीक है ना। पानी पानी पानी। गुस्सा है पापा। अरे क्या गुस्सा, सुनते नहीं बात, सुनते नहीं क्या क्या बोल रहा तुमको? वो नानी अलग से चिल्लाएंगे मेरे को। पानी पूरी। ए पानी पूरी, चुप बैठ ना जरा। आग में घी डालने के काम क्यों करते तुम लोग? ठीक है ना, पर पापा इतना क्यों गुस्सा कर दे आप? अभी चाय मत कर ऐसे अकेले। हाँ क्या हमारे सेफ्टी के लिए गई है? हाँ नहीं जाऊंगी ना। तेरे माँ को भी कुछ अक्कल नहीं है, तेरे को समझने का होना कि नहीं जान देने का अकेले। शांत रहो। मेडिसिन खाई आपने? क्या लाई दिखा? ये देखो खजाना, ये सिल्वेस्टर के लिए और ये पिंक मिया के लिए। तेरे लिए नहीं है वो। चल 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 चल, सिल्वेस्टर और मिया को दे देंगे। चलो सरप्राइज सरप्राइज, चलो 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 आजा दीदी के पीछे चलो। अरे चीवो खेलने का नहीं है यार। सिल्वेस्टर मिया तो आ गई। मिया तो भाग के आ जाती, कुछ भी कर लो आ जाती। दिन अकेले घर से बाहर जाके एंजॉय किया, फिर घर आके डांट खाई। आज जाके फील हुआ नॉर्मल लाइफ भी बहुत मजेदार होती है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।